अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक देखिए, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसमें हम लोग सबसे पहले अपना पी ए फर्स्ट का सिलेबस एक बार चेक करेंगे कि हम लोग को पी ए फर्स्ट में कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ सभी लोग आइए मेरे साथ साथ कंटेंट्स में देखिए। हमने बताया था लेसन नंबर 1, 2, 3, लेसन नंबर 4, 5, 6, 7, ये आप लोग को लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 7 तक कम्प्लीट करना है। किसमें? अपने पी ए फर्स्ट में। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने बताया था कि आप लोग को इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेसन नंबर 1, 2, 3 हम लोग पार्ट नंबर 1 में कम्प्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अपना पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7। ठीक है, 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स हम लोग को किस में पढ़ने हैं? अपने पार्ट नंबर 2 में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपना सभी लोग पार्ट नंबर 2 के लिए लेसन नंबर 4 ओपन करिए। लेसन नंबर 4 क्या है? पेज नंबर है किस पर? पेज नंबर 6। देखिए यहाँ पर आइए मेरे साथ पेज नंबर 6, सभी लोग मेरे साथ पेज नंबर 6 निकालिए। पेज नंबर 6 पर है हम लोग का यहाँ पर लेसन नंबर 4। लेसन नेम क्या है यहाँ पर? सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? हम इसमें सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, सेंटेंस कहते हैं वाक्य, जिसको हम सेंटेंस इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में हम वाक्य कहते हैं और उर्दू में हम क्या कहते हैं? जुमला या फिर जुमले। ठीक है, एक जुमला एक सेंटेंस होगा तो हम जुमला, और एक से ज़्यादा सेंटेंस होंगे तो हम जुमले। इसी तरह से एक सेंटेंस होगा तो एक से ज़्यादा होंगे तो सेंटेंसेस। ठीक है, अब सेंटेंस के सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन एक बार चेक करेंगे कि हम लोगों को मतलब सेंटेंस कहते किसे हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग मेरे साथ, सेंटेंस मतलब वाक्य। तो अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कम्प्लीट सेंस। कह रहे हैं एक सेंटेंस जो है वो ग्रुप है वर्ड्स का, यानी कि ग्रुप है यानी कि वर्ड्स का, छोटे छोटे वर्ड्स का, एक से दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर, इनके ग्रुप्स को यानी इनके झुंड को मिलाकर जो लाइन बनती है उसको हम कहते हैं सेंटेंस। लेकिन उसका मेक्स कम्प्लीट सेंस, सेंस यानी कि मीनिंग, कम्प्लीट यानी पूरी तरह से, यानी कि उसका फुल मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, उस सेंटेंस का जो हम छोटे छोटे वर्ड से दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में मिलाकर एक लाइन लिखें, और वो लाइन जो पूरी जो लाइन हो हमारी उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फर्स्ट है रश्मि इज़ अ गर्ल, सेकंड है शी इज़ रीडिंग, यानी रश्मि है एक लड़की, यानी रश्मि एक लड़की है, शी इज़ रीडिंग यानी कि वो ये है पढ़ रही है यानी कि शी इज़ रीडिंग यानी कि ये पढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, ये आप लोगों को लर्न करनी है बुक से ही। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो सॉरी पार्ट्स कितने होते हैं सेंटेंस के। तो 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, सेकंड है हमारा प्रेडिकेट। तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन, यानी जो भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन होगा वो सभी हमारा सब्जेक्ट होगा। और प्रेडिकेट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो सेंटेंस में वर्क कर रहा है, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट किसे कहेंगे? प्रेडिकेट हम उसे कहेंगे जो हमारा, जो भी हमारा सेंटेंस में किया जा रहा है वो सभी हमारा क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें यहां पर क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट होते हैं फिर हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है यहां पर एजर्टिव सेंटेंस। अब एजर्टिव सेंटेंस के बाद यहां पेज नंबर नेक्स्ट आइए, पेज नंबर 7 पर है हम लोगों का सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस, 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 8 पर है, यहां पर लास्ट में देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि हमें 5 काइंड सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स। तो 1 by 1 हम लोग क्या करेंगे, इन सेंटेंस के काइंड्स को समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं, सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव देखिए, पार्ट्स जो होते हैं सेंटेंस के वो हमारे 2 होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, सब्जेक्ट मैंने किसे बताया था? सब्जेक्ट वो है जो वर्क कर रहा है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन। सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन जो भी होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेंटेंस में जो वर्क कर रहा है यानी जिसके जरिए काम किया जा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट हमारा वो होता है जो भी सेंटेंस में वर्क किया जा रहा है, यानी कि किया गया है सब्जेक्ट के जरिए, ठीक है, वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है जो हमारा, जिसमें ऑब्जेक्ट आते हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सेंटेंस, सॉरी मैंने क्या बताया है सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट एजेक्टिव सेंटेंस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो 1 by 1 हम लोग इन सेंटेंस के बारे में यहाँ पर रीड करेंगे। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं? कह रहे हैं असर्टिव सेंटेंस स्टेट्स और डिस्क्राइब थिंग्स और रिपोर्ट्स इवेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। कह रहे हैं असर्टिव सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कह रहे हैं कि हम इनको स्टेटमेंट भी, यानी सिंपल स्टेटमेंट भी हम लोग इन सेंटेंस को कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन से सेंटेंस हैं जिनको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं? वो है हमारे असर्टिव सेंटेंस।
नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 7 पर है हमारा सेकंड वाला। सेकंड क्या है हमारा, इंटेरोगेटिव। अच्छा देखिए असर्टिव सेंटेंस की यहाँ आपको एग्जांपल गिवन है। फर्स्ट है शी इज आ टीचर, यानी कि ये एक लड़की है। ये है यू आर नॉट रीडिंग, यानी कि तुम, यानी कि यू यानी आप, आर नॉट रीडिंग यानी कि पढ़ नहीं रहे हो। दे प्लेड क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले। तो ये सभी हमारे क्या हैं, सिंपल सेंटेंस हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंस हैं, जिनको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कह रहे हैं आस्क अबाउट समथिंग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ क्वेश्चन। कह रहे हैं कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन भी कहते हैं, यानी कि आस्क अबाउट समथिंग, यानी कि इसमें क्वेश्चन किया जाता है किसी चीज़ के बारे में, हमसे इसमें पूछा जाता है। ठीक है, यानी हमसे सवाल किया जाता है जिस सेंटेंस में, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी एक और पहचान है, इसके सेंटेंस के लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क बना होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में हमसे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखिए, व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका क्या नाम है। हु इज योर फादर, यानी आपके फादर कौन है। आर यू रीडिंग, या वेयर डू यू लिव। तो देखिए लास्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क बना होगा, वो हमारे सेंटेंस कौन से कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिस सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है, या कुछ भी पूछा जा रहा है, जिस किसी चीज़ से भी रिलेटेड। ठीक है, इसकी मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक पहचान बताई है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, शोज, इंपेरेटिव सेंटेंस शोज सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दी जाती है, या फिर कोई सजेशन किया दिया जाता है, या फिर कोई ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको यहाँ एग्जाम्पल में गिवन है, फर्स्ट है कम हेयर, यानी कि इधर आओ। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है। नेक्स्ट है डू नॉट गो देयर, यानी कि वहाँ नहीं जाओ। तो ये क्या कह रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। नेवर टेल अ लाई, यानी कि झूठ नहीं बोलिए। तो ये क्या कह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, यानी कि सजेस्ट करने। नेक्स्ट है ऑलवेज बी पोलाइट। तो ये सभी हमें किस चीज़ की एग्जाम्पल गिवन है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने क्या बताया, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिससे हमें किसी से कमांड दी जा रही है, जैसे कि आज्ञा, रिक्वेस्ट की जा रही है किसी काम को करने के लिए, जैसे कि सिट डाउन, यानी कि वो ऑर्डर दे रहे हैं, या प्लीज़ कम हेयर, या प्लीज़ गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह के जो वर्क काम होते हैं वो हमारे साथ भी क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, कमांड मीन्स आज्ञा, रिक्वेस्ट विनती, एडवाइस सलाह, और सजेशन मीन्स शिक्षा। ठीक है, तो ये सभी सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, जो इसमें इन सभी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, यानी इन वर्ड्स का यूज़ नहीं, इन सेंटेंस में इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेम पेज नंबर पर ही, पेज नंबर 7 पर फोर्थ वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, हम ये पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स सच एज प्लेजर, सोरो, सरप्राइज एटसेट्रा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जैसे सडन फीलिंग, यानी एकदम से जो फीलिंग आती है, जैसे कि हम क्या कहते हैं, हुर्रे यू हैव वॉन, यानी कि आप जो भी है जीत चुके हैं। हाउ गुड यू डू, यानी वो वर्ड्स जिनको हम एकदम सडनली बोलते हैं, हम उनको सोचते नहीं, एकदम से हमारे जो निकलते हैं हमारे मुंह से, वो हमारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इनकी क्या पहचान है, इनके जो भी एक्सक्लेमेशन वर्ड होंगे उनके लास्ट में इस तरह से एक्सक्लेमेशन का साइन बना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को सेम पेज नंबर पर ही, पेज नंबर 7 पर ही आप लोगों को देखी यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या बताई थी, इसके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना होगा, क्वेश्चन किया जा रहा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की क्या पहचान है, इसमें ये एक्सक्लेमेशन, ये कहलाता है हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन। ठीक है, ये हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं लगा होगा। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जो हम एकदम से जो जैसे कि सडन फीलिंग सच एज प्लेजर है, सोरो है, ज़रूरी नहीं कि हम खुश होकर ही उन वर्ड को बोलते, हो सकता है हम उस वक्त सौर हो यानी कि उदास हो या खुश हो, एकदम से सरप्राइज हो। ठीक है, तो ये इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर है हम लोग का नेक्स्ट फिफ्थ हमारा कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए पेज नंबर 8 पर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने क्या बताया, अब बताऊँगी क्या होते हैं, एक्सप्रेसेस अ विश और प्रेयर, यानी कि हम किसी के लिए विश कर रहे हैं या फिर प्रेयर कर रहे हैं, जैसे कि गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव, तो यानी कि हम किसी के लिए विश कर रहे हैं कोई, या फिर किसी के लिए कोई प्रेयर कर रहे हैं, कोई दुआ कर रहे हैं, उसको दुआ दे रहे हैं। तो वो सभी सेंटेंसेस, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, सेंटेंस पढ़े हैं। सेंटेंस मैंने क्या बताए थे,
पेज नंबर 6 पर देखिए, सेंटेंस मैंने बताए थे वो वर्ड्स होते हैं, वो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनको मिलाकर हम एक कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मैंने बताया नाउन और प्रोनाउन होता है, यानी कि सब्जेक्ट वो है जो वर्क कर रहा है, प्रेडिकेट वो है जो सेंटेंस में वर्क किया जा रहा है सब्जेक्ट के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वो कितने टाइप्स के हैं, 5 काइंड्स हैं। कौन कौन से? एडजेक्टिव सेंटेंस, फर्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सेंटेंस मैंने क्या बताया, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर मैंने नेक्स्ट पढ़ाए थे इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेकंड वन है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेम पेज नंबर 7 पर ही हम लोग का इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम लोगों को कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, या कमांड दी जा रही हो, एडवाइस दी जा रही हो, सजेशन दिया जा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं 4th वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मैंने क्या मीनिंग बताया था, उसकी क्या पहचान है कि उसके सेंटेंस में कहीं भी हमारे जो भी एक्सक्लेमेशन वर्ड होगा उस वर्ड के आगे क्या लगा होगा, एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होगा, ठीक है। ये वैसे होते क्या है, सडन फीलिंग्स, यानी कि एकदम से जो फीलिंग आती है, जैसे कि प्लेजर है, सोरो है, सरप्राइज होना, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंसेस टाइप के सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर हम लोग का लास्ट था ऑप्टेटिव सेंटेंस, 5th है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी किसी के लिए विश कर रहे हैं या फिर प्रेयर कर रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं या किसी से दुआ ले रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो इस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ लिए, सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ लिए, आप लोगों जो बुक से लर्न करनी है। नेक्स्ट हम लोगों ने पार्ट्स पढ़े हैं, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। नेक्स्ट हम लोगों ने सेंटेंस के काइंड्स पढ़े हैं, 5 काइंड्स पढ़े हैं, एडजेक्टिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का सेंटेंस चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम इसके एक्सरसाइजेस देखते हैं। पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 9 पर है। इसमें कितनी एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज है। सबसे पहले फर्स्ट आइए, फर्स्ट है पुट दीज वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंटेंस। देखिए सेंटेंस कह रहे हैं, सेंटेंस आप लोग को कंप्लीट करना है इन वर्ड्स को एड यानी कि करेक्ट फॉर्म में लिखकर। तो देखिए ये हमारा एक सेंटेंस है, सॉरी एक ये हमारे वर्ड से मिलकर एक लाइन बनी है, स्टेटमेंट। हम इनको इसको कब कहेंगे सेंटेंस, जब ये कंप्लीट इसका मीनिंग होगा। तो अभी हम यहाँ पर चेक करिए, राइटिंग आ ही लेटर इज, ये हमारा कंप्लीट मीनिंग इसका यहाँ पर सेंटेंस में नहीं है। तो इसको हम अरेंज करेंगे पहले करेक्ट फॉर्म में, फिर हम इसको क्या करेंगे, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, यानी कि जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट में हमारा नाउन और प्रोनाउन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिर आएगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की क्या पहचान है, प्रेडिकेट की स्टार्टिंग जो होती है वो हमारी कहाँ से होती है, वर्ब से होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हम वर्ब यानी कि जो काम जिसके जरिए वर्ब सॉरी वर्ब यानी कि जो काम उसमें किया जा रहा है। फर्स्ट है राइटिंग आ ही लेटर इज, यानी कि तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट, ही इज राइटिंग आ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट सेंस बन गया, यानी कि ही इज राइटिंग अ लेटर, यानी कि वो लेटर लिख रहे हैं, लड़के हैं, ही है यानी लिख रहे हैं। नेक्स्ट है डेली हियर ही कम्स, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा पहले ही, नेक्स्ट हमारा जो वर्क किया जा रहा है कम्स हियर डेली, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन, नेक्स्ट उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज एम आर वॉज वर या विल शैल, ये हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर ये सेंटेंस में है तो हम सब्जेक्ट के बाद इन्हीं का यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो हम वर्ब का यूज़ करेंगे, देन जो भी ऑब्जेक्ट है यानी जो भी उसमें वर्क किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सरला सिंह एंड सॉन्ग स्वीट सलमा, कह रहे हैं सरला सिंह एंड सॉन्ग स्वीट सलमा, तो इसको हम कैसे करेंगे, सरला एंड सलमा सिंग स्वीट सॉन्ग, यानी कि सरला और सलमा जो हैं वो अच्छा गाना गाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तो सरला और सलमा कौन है, इसमें नाउन है ये मैंने लिखा है, वर्क काम क्या हो रहा है इसमें सिंग है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं था, इज एम आर वॉज वर शेल विल, ये हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इज, इसके बाद आता है हमारा एम, एम के बाद है हमारा आर, इज एम आर, नेक्स्ट है वॉज, नेक्स्ट है वर, देन शेल, और शेल के बाद क्या आ जाएगा हमारा विल, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो हम सेंटेंस पर यूज़ करते हैं वो हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में नहीं है तो हम इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब को यूज़ करेंगे, वर्ब यानी कि जो भी वर्क उसमें किया गया है, जैसे कि इसमें राइटिंग, ठीक है। ही मैंने सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब था, इसमें इज मैंने इज लिखा है, इसके बाद मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें वर्ब लेना है, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब। वर्ब हमारा क्या है इसमें, काम वर्ब हमारा होता है जो काम किया जा रहा है सेंटेंस में, ठीक है। यानी कि इसमें क्या काम किया जा रहा है, राइटिंग यानी कि लिखा जा रहा है। तो मैंने सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन राइटिंग, फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट बचेगा जो भी सेंटेंस में हम उसको वहाँ पर
लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, ही इज राइटिंग अ लेटर। सेकेंड इसी तरह से देखिए, ही कम्स हेयर डेली, यानी कि वो यहाँ रोज आते हैं। सेकेंड थर्ड है हमारा सरला एंड सलमा सिंग स्वीट सॉन्ग, यानी कि सरला और सलमा जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। सिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हमने डायरेक्ट वर्ब लिया है सिंग यानी गाती है, स्वीट यानी कि अच्छा मीठा, सॉन्ग यानी कि गाना, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ है यू डू लिव वेयर, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट है हमारा इसमें वेयर, वेयर डू यू लिव, कौन सा सेंटेंस है हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्यों, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पहचान है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। वेयर डू यू लिव यानी कि आप कहाँ रहते हो। नेक्स्ट है फील्ड वॉइस द प्लेइंग आर द आर द इन, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है हमारा इसमें द बॉयज, ठीक है द बॉयज। नेक्स्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब है हमारा इसमें आर, आर लेंगे हम, और वो जो बॉयज हैं वो कर क्या रहे हैं, यानी वर्क क्या हो रहा है इसमें, प्लेइंग, तो ये हो जाएगा द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचेगा सेंटेंस में वो हमारा लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है बी, बी देखिए राइट अगेंस्ट ईच सेंटेंस वेदर इट इज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन इंपेरेटिव और एन एक्सक्लेमेटरी। इसमें हमसे कह रहे हैं इसके सामने लिखिए कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो किस टाइप्स के, यानी काइंड बतानी है इनकी। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैंने इसको ऑलरेडी फिल किया हुआ है, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, हैंड टू हैंड आप लोगों को इसको फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसमें, फर्स्ट देखिए मेरे साथ सभी लोग पहले, फर्स्ट है इसमें ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी कि हम यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ यानी हमेशा कैसा बोलना चाहिए हमें, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये हमेशा हमें कैसा बोलना चाहिए, ट्रूथ बोलनी चाहिए, यानी कि ट्रूथ कहते हैं सच को। तो ये हमारा किस टाइप का सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है गॉड, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देम सेल्फ, यानी कि गॉड जो है वो उनकी मदद करते हैं, जो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्फ, तो ये भी हमारा क्या है, देखिए हमने इसमें कितने काइंड्स पढ़े थे, ये भी इंपेरेटिव और स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं हम इसको, और हम इसको क्या कह सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रस्ट इज गॉड, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू योर ड्यूटी, यानी कि गॉड पर ट्रस्ट करिए और अपनी ड्यूटी को, यानी अपना वर्क जो है उसको करिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है फोर, हाउ डू यू डू, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन है, हम इसको क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं, इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन भी कहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग कॉमा लगाकर लिख सकते हैं इंटेरोगेटिव और सेंटेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस यहाँ सभी लोग को लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट सेंटेंस में, स्टेटमेंट अगर लिख रहे हैं तो सिर्फ स्टेटमेंट आएगा, और अगर असर्टिव सेंटेंस लिखे तो हम इसमें असर्टिव लिखें, जैसे कि क्वेश्चन में क्वेश्चन सेंटेंस नहीं, सिर्फ क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, कंप्लीट लिख लीजिएगा सेंटेंस। नेक्स्ट है फिफ्थ, हाउ ब्यूटीफुल दिस सीनरी इज, यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं कि ये जो सीनरी है कितनी खूबसूरत है, तो ये हमारा क्या है, देखिए इसमें लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी, और यहाँ पर आप लोगों को लास्ट में क्या लिखना है, सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना था, सिर्फ काइंड्स बतानी थी कि ये जो सेंटेंस है वो किस काइंड, क्या काइंड है इसकी, यानी किस टाइप का ये सेंटेंस हमें यहाँ पर गिवन है। तो फर्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस, सेकंड है स्टेटमेंट, सेंटेंस नहीं आएगा यहाँ पर, स्टेटमेंट सिर्फ, थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ वन इज अ क्वेश्चन या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। सी पर आइए, सी है इसमें फिर पिक आउट द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें हमें प्रेडिकेट्स बताने हैं, तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस में पार्ट होता है वो हमारा सभी क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट है द एनिमल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कह रहे हैं एनिमल्स जो हैं वो ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हटा लेते हैं द एनिमल्स, यानी वर्क जो किया जा रहा है वो क्या है, एनिमल से, बाकी का जो होगा यानी हेल्पिंग वर्ब से जो भी हमारा सेंटेंस में वर्ड यूज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीडिकेट। तो यहाँ आर से लेकर फील्ड तक क्या हो जाएगा, हमारा प्रीडिकेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ लर्न मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब है हमारा इज, यानी कि इज प्रीडिकेट की क्या पहचान है, प्रीडिकेट जो है वो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट की क्या पहचान है, सब्जेक्ट जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से पहले तक हमारा जो भी रहेगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्क के आगे का जो भी हमारा स्टार्ट होगा वर्क वो हमारा क्या होगा,
प्रेडिकेट होगा, ठीक है। इसमें इसी तरह से देखिए इज, ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके आगे का सेंटेंस क्या हो गया, प्रेडिकेट। अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो उसमें क्या होगा, फिर वर्ब होगा, और वर्ब सेंटेंस में होगा, द मून शाइन्स, यानी कि शाइन कर रहा है, चमक रहा है, तो ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो वर्ब से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो प्रेडिकेट जो होगा वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है फिर इसमें ग्रेड में, देखिए यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है आर, तो आर से हमारा जो बाकी का जो भी इसमें सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सॉरी वर्ड जो होगा वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट डी देखिए, डी है इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में मैच करना है। तो फर्स्ट है जैसे कि गॉड, मैंने इसको मैच किया है इज़ अलमाइटी। सेकेंड है मिस्टर सैन आवर इंग्लिश टीचर, ये क्या हमें टीच करेंगे, टीच इज़ अस गुड थिंग्स। थर्ड है गुड चिल्ड्रन, थ्री को ओबे एंड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, यानी कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बड़ों का कहना मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। फोर्थ है द एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, यानी कि एलिफेंट के पास लॉन्ग ट्रंक, लंबी ट्रंक होती है। फिफ्थ है द गीता इज़ अ रिलीजियस बुक, गीता जो है वो एक बुक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैचिंग कम्प्लीट हो गई, ये हमारा लेसन नंबर फोर यहाँ पर पेज नंबर 8 पर कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 9, ये भी हमारा क्या है, पार्ट नंबर 2 ही है, लेसन नेम है नाउन। नाउन इसमें हम पढ़ने वाले, नाउन किसे कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये भी आप लोग को डेफिनेशन बुक से लर्न करनी है, ठीक है, कॉपी में भी मैंने नोट करी है, पहले बुक में चेक करते हैं। द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी कि नेम या नाम किसका, पर्सन का, किसी इंसान का नाम, किसी जगह के नाम को या किसी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। किस किस के नाम को, किसी इंसान के नाम को, किसी जगह के नाम को या किसी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा और उर्दू में हम क्या कहते हैं, इस्म, ठीक है, यानी नाउन, संज्ञा और इस्म। तो ये हमारी नाउन की डेफिनेशन हो गई। अब नाउन के भी कुछ काइंड्स होंगे, जैसे यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है, रीता गोज टू स्कूल बाय बस, सीता कम्स होम बाय ट्रेन, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द स्टूडेंट्स वेंट टू दिल्ली। तो इस तरह के आपको नाउन्स गिवन है। अब नाउन्स के भी काइंड्स पढ़ेंगे हम, फर्स्ट देखिए कितने काइंड्स हैं, 5 काइंड्स हैं। प्रॉपर फर्स्ट है इसमें हमारा प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन, फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये 5 काइंड्स के नाउन हैं जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम लोगों ने 5 काइंड्स के सेंटेंस अभी इसमें पढ़े थे, ठीक है। फर्स्ट है इसमें प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, यानी किसी खास पर्टिकुलर, यानी किसी खास इंसान के नाम को या किसी खास चीज़ के, जगह के नाम को या किसी खास चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर, यानी वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे कि राजीव इज़ अ बॉय, यानी राजीव जो है वो एक लड़का है, तो बॉय जो है वो भी हमारा नाउन है, लेकिन इसमें जो प्रॉपर नाउन है वो है हमारा राजीव, यानी कि राजीव जो है उसका पर्टिकुलर ये एक नेम आप लोग को प्रॉपर बताया गया है। इसी तरह से सेकंड है रश्मि इज़ अ टीचर, रश्मि टीचर है, तो रश्मि क्या है इसमें, प्रॉपर नाउन। थर्ड है दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, कह रहे हैं दिल्ली जो है वो एक बड़ी सिटी है, यानी शहर है, तो दिल्ली देखिए दिल्ली जो है वो सिर्फ एक है, पर्टिकुलर है, प्रॉपर है, तो ये हमारा इसलिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। द कुरान इज़ अ होली बुक, कुरान जो है क्या है, होली बुक है, कुरान हमारा एक है, ठीक है। तो ये जो खास चीज़, खास जगह या खास इंसान के नाम को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें फिर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिविन टू एवरी पर्सन, कह रहे हैं ये हर इंसान को या हर जगह के नाम को या हर चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी थी, बॉय, बॉय क्या है हमारा, कॉमन नाउन। टीचर क्या है हमारा, कॉमन नाउन, यानी कि हम इसमें बता नहीं सकते, प्रॉपर नहीं है, यानी कि बहुत से टीचर हो सकते हैं, बहुत से बॉय भी हो सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर उनका आपको यहाँ पर नेम नहीं गिवन है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 10 पर, इसके एग्जांपल देखते हैं हम। राजीव इज़ अ बॉय, यानी राजीव जो है वो एक लड़का है, तो राजीव क्या था हमारा, प्रॉपर नाउन, और बॉय क्या हो जाएगा इसमें, कॉमन नाउन। रश्मि इज़ अ टीचर, रश्मि प्रॉपर नाउन, टीचर है वो कॉमन नाउन, टीचर कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर पर्टिकुलर उनका नेम बता रहे हैं कि वो टीचर कौन है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, तो दिल्ली क्या था, प्रॉपर नाउन था, और सिटी यानी शहर, बहुत से शहर हो सकते हैं, तो ये हमारा कॉमन नाउन। द कुरान इज़ अ होली बुक, कुरान जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन है, कुरान एक है, और बुक जो है वो बहुत सी बुक्स हो सकती हैं, तो वो हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर और कॉमन नाउन पढ़ लिए हैं। प्रॉपर नाउन यानी खास जगह के नाम, खास इंसान के नाम को, खास जगह के नाम को, खास चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। और इसी तरह से कॉमन है आम चीज़ के नाम, आम जगह के नाम को या आम चीज़ के नाम को या फिर कोई आम मामूली सी इंसान के नाम को हम क्या कहते हैं, इंसान को, सॉरी, कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, इसमें कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव से जैसे कि वर्ड पता चल रहा है, कलेक्शन यानी कि ग्रुप, जो
कैरिंग नाउन कलेक्टिव 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 नाउन इज द नेम गिविन टू ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन के ग्रुप को या किसी भी चीज़ के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन है आवर टीम वॉन द मैच, यानी हमारी जो टीम है वो मैच जीत चुकी है। वॉन यानी जीत चुकी थी, वो टीम यानी कि ग्रुप है इसमें, ठीक है। इसी तरह से फैमिली, फैमिली बहुत से लोग होते हैं, क्लास, क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं। इसी तरह से आर्मी, आर्मी बहुत से लोग होते हैं। तो यानी कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा जो ग्रुप की बात की जाएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, यानी कि कलेक्टिव यानी कि ग्रुप। नेक्स्ट है फोर्थ, इसमें मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन कह रहे हैं, मटेरियल नाउन इज़ द नेम गिविन टू द थिंग और ऑफ विच थिंग्स आर मेड। कह रहे हैं कि वो चीज़ें जिससे जो चीज़ है दूसरी चीज़ है वो बनाई जा रही है। जैसे कि माय रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो रिंग क्या थी, इसमें कॉमन नाउन है, रिंग कैसी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसमें बता रहे हैं कि रिंग जो है वो क्या है, गोल्ड की है। यानी कि सोना, लोहा, चांदी, पीतल, ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, मटेरियल में कहलाती हैं, यानी कि मटेरियल नाउन। तो जिस भी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स का यूज़ होगा, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ठीक है, स्टील, तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं, जिसमें हमारा वुड भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट सेम पेज नंबर 10 पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम गिवन टू द थिंग विच कैन नॉट बी सीन और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम उसको, कैन नॉट बी सीन, सीन यानी नहीं, ना कैन नॉट यानी कि नहीं, सीन यानी देख सकते हैं, यानी कि ना ही देख सकते हैं, और टच यानी कि उसको टच भी नहीं कर सकते हैं। बट कह रहे हैं लेकिन, कैन बी फेल्ट, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, फील यानी फेल्ट, हम उसको महसूस कर सकते हैं, ना ही हम उसको देख सकते हैं, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि मैंने कहा कि वो बहुत खूबसूरत है, तो सॉरी, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है, राइटिंग इज एन आर्ट, राइटिंग जो है वो एक आर्ट है, यानी कि कला है, तो हम कला को आर्ट कहते हैं, कला को, तो आर्ट, कला हम उसकी देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि हम कह रहे हैं वो एक बहुत अच्छा इंसान है, तो हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसकी इंसानियत को ना ही टच कर सकते हैं, ना ही हम उसको सीन कर सकते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि आर्ट, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी यानी, और चाइल्डहुड, ठीक है, यानी कि बचपना। तो इन सभी चीज़ों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, और ना ही हम उसको टच करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने क्या पढ़ा है सेकेंड चैप्टर में, मतलब आज का जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, लेसन नंबर कौन सा हमारा, पेज नंबर 9 पर हमने स्टार्ट किया था, लेसन नंबर 5, नाउन, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी है, नाउन किसे कहते हैं, देन मैंने काइंड्स बताए हैं, 5 काइंड्स, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड इसमें मैंने बताया कॉमन नाउन, थर्ड है इसमें कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन, और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पर हम लोग इसके एक्सरसाइजेस करते हैं। यहाँ पर सभी लोग को लेसन, जितने हम लेसन कवर कर रहे हैं हर लेसन पर पार्ट नंबर 2 या पार्ट नंबर 1 जो भी मैं करवा रही हूँ, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पर डेट सभी को शो करनी है, ठीक है। हर चैप्टर 4 मैंने अभी जो चैप्टर करवाया सेंटेंस, वहाँ पर भी आप लोग को पार्ट नंबर 2 और डेट सभी को शो करनी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसकी आ जाइए पेज नंबर, लेसन नंबर 5 का जो हमारा पार्ट नंबर 2 में चल रहा है, इसकी एक्सरसाइजेस पेज नंबर जो कहाँ है, पेज नंबर 11 पर, यहाँ पर भी आप लोग डेट डाल सकते हैं, ठीक है, और पार्ट नंबर 2 लिख सकते हैं। इसमें कितने एक्सरसाइजेस गिवन है आप लोगों को, 2 एक्सरसाइजेस गिवन है, फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, सेकंड है इसमें आप लोगों को ये कुछ वर्ड्स गिवन है, इसको आप लोगों को इसमें सेपरेट करना है कि कौन सा हमारा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन है, कौन सा कलेक्टिव, कौन सा मटेरियल है, और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। जो मैंने अभी 5 नाउन आप लोगों को, 5 काइंड जो भी थी उसको क्लियर पीछे चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए और उसको पहले अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले हम लोग फिलिंदा ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। फिलिंदा ब्लैंक्स है फर्स्ट, स्वेटर इज मेड ऑफ डैश, कह रहे हैं स्वेटर जो है वो किससे बनता है, वूल से बनता है, पेपर से बनता है, या आयरन से बनता है। तो हम सभी जानते हैं स्वेटर जो है वो हमारा वूल से बनता है, यानी कि ऊन से बनता है। नेक्स्ट है स्वीट्स आर मेड ऑफ, स्वीट्स कहते हैं मिठाई, मिठाई किससे बनती है, शुगर से बनती है, चीनी, नमक या पानी, तो चीनी से हमारी शुगर बनती है, सॉरी स्वीट्स बनती है, स्वीट्स कह रहे हैं मिठाई को, ठीक है। थर्ड है क्लोथ्स आर मेड ऑफ, अब क्लोथ्स कहते हैं कपड़े को, कपड़े किससे बनते हैं हमारे, कॉटन से बनते हैं, या लकड़ी से बनते हैं, या टिन से बनते हैं, तो हम सभी जानते हैं कॉटन कपड़े जो है वो हमारे कॉटन से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसमें फोर है डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल सभी को पता है क्या है, दिल्ली। फिफ्थ है वी टेक डैश एट द नून, कह रहे हैं कि नून यानी कि 12 बजे, नून 12 बजे या 12 बजे के बाद हम क्या लेते हैं, लंच लेते हैं, या डिनर रहते हैं लेते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट क्या करते हैं हम, सुबह में करते हैं 12 बजे से पहले, लंच हम करते हैं 12 बजे या 12 बजे के बाद,
यानी दोपहर में, और डिनर हम करते हैं रात में 6-7 बजे के बाद, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, हमसे इसमें नून पूछा गया, यानी दोपहर के वक्त हम क्या करते हैं, नून यानी कि दोपहर के वक्त लंच करते हैं, तो लंच पर टिक करेंगे। नेक्स्ट इज सिक्स, वी गेट वूल फ्रॉम, और हमें वूल कहाँ से मिलता है, शीप से मिलता है या शिप। देखिए ये दोनों में फ़र्क है, शिप यानी नाव, शीप भेड़ को कहते हैं, वुल्फ, तो हमें वूल, सॉरी वूल जो है वो हमें किससे मिलता है, शीप से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेवन, माई अंकल हैज़ अटैच, यानी मेरे अंकल के पास क्या है, गॉट है, गॉट यानी के पास मिला, यानी गॉट ये मतलब है गॉट का मिला, GOAT गॉट यानी बकरी, या GOOT गॉट, तो देखिए मेरे अंकल के पास क्या होगी, एक बकरी होगी, ठीक है, GOAT गॉट, तो स्पेलिंग में इसमें सिर्फ मिस्टेक है। नेक्स्ट है इसमें स्पेलिंग में तीनों के जो वर्ड्स हैं गॉट है, पढ़ते वक्त उनकी आवाज़ सेम आ रही है लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, GOAT गॉट, यानी कि मेरे अंकल के पास, माई अंकल, मेरे अंकल हैज़ पास आ यानी एक गॉट बकरी, यानी मेरे अंकल के पास एक बकरी है, ठीक है। नेक्स्ट है एट, अ डैश इज़ द हाउस ऑफ नॉलेज, कह रहे हैं कि ये जो है नॉलेज का घर है, क्या है, स्कूल है या शॉप है या सोप है, यानी कि स्कूल जो है वहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए नॉलेज, यानी कि जो हम वहाँ से जानकारी यानी कि नॉलेज गेन करते हैं वो हमारा क्या है, स्कूल है, तो हमारा स्कूल हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ना ही शॉप है, दुकान पर हमें नॉलेज नहीं मिलती है, और ना ही सोप है, सोप यानी कि साबुन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आ स्कूल, स्कूल, आ स्कूल इज़ द हाउस ऑफ नॉलेज, यानी स्कूल जो है वो एक घर है किसका, नॉलेज का। नेक्स्ट आइए बी, देखिए जैसे कि ये वर्ड्स गिवन है, ब्रिटेन, ब्रिटेन, मैन, वुड, हैप्पीनेस, क्राउड, चाइल्डहुड, सिल्वर, हिंदी, सिटी, वाटर, फ्लॉक, शिवाजी, ट्रुथ, क्लास, कंट्री, आयरन, दिवाली, रेडफोर्ट, काउ, टीम, बंच, गोल्ड, कॉपर, काइंडनेस, एडल्टहुड, वीकनेस। ये जो आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स को आप लोग को इसमें फिल करना है, प्रॉपर वर्ड जो है, प्रॉपर नाउन जो है वो यहाँ लिखने हैं, कॉमन नाउन यहाँ लिखने हैं, कलेक्टिव नाउन यहाँ लिखने हैं, आपको मटेरियल नाउन यहाँ पर लिखने हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर लिखने हैं। मैंने 3-3 वर्ड्स लिख दिए हैं, बाकी के जो भी वर्ड्स हैं वो आप लोग को यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। हो सकता है कोई हमारा प्रॉपर ऐसा आ जाए जो सिर्फ 2 ना 3 हो, तो आप लोग कॉमा लगा के या फिर यहाँ नीचे लाइन ड्रॉ करके इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर नीचे आप लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने 3-3 लिख दिए, प्रॉपर में ब्रिटेन हो गया, हिंदी दिवाली, कॉमन में सिटी कोई सी भी शहर हो सकता है, पानी कैसा ही पानी हो सकता है, कंट्री कोई भी कंट्री हो सकती है, पर्टिकुलर अगर हमें इसका नेम दे देते कि ये कंट्री है या ये ऐसा वाटर है या फिर ये सिटी है। इसी तरह से कलेक्टिव में मैन है, बहुत सारे आदमी हुए इंसान, क्राउड है भीड़, टीम यानी कि बहुत सारे लोगों से मिलकर एक टीम बनती है, मटेरियल में सिल्वर, आयरन, गोल्ड, लोहा, चांदी, पीतल जो भी है, एब्स्ट्रैक्ट में हैप्पीनेस है, हम ना ही देख सकते हैं ना ही उसको टच कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, चाइल्डहुड और काइंडनेस, और भी इसमें से वर्ड्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाइए, नेक्स्ट है फिर हम लोग का लेसन नंबर, सॉरी पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पर हम लोग को लेसन नंबर 6 है, पार्ट नंबर 2 है ये भी हमारा, यहाँ पर सभी लोग को अपनी डेट शो करनी है। लेसन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर नंबर, अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, नंबर यानी कि वचन यानी कि गिनती, ठीक है। तो चलिए पेज नंबर 12 पर, सिंपल है, नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल, यानी सिंगुलर यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक वचन, और प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी एक और प्लूरल यानी एक से ज़्यादा। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम कुछ आपको वो दिए हैं, एप्पल का एप्पल्स, बैट बैट्स, कह रहे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके सिर्फ लास्ट में एस लग जाता है प्लूरल चेंज करने के लिए, पहले है यहाँ पर, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं कुछ नाउंस के अंत में डबल एस होता है, एस या एस एच या सी एच या एक्स या फिर ओ, तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, नाउन जो होते हैं, उनके वर्ड के लास्ट में अगर ये वर्ड्स हैं तो उन होने पर उन्हें उनमें ई एस का इस्तेमाल और करते हैं, यानी कि वो वर्ड्स हम एज इट इज़ लिखेंगे और उसमें ई एस लगाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के वर्ड्स, सॉरी नाउन के आगे हमें किस टाइप का वर्ब पर किस टाइप का प्लूरल उसका हम लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है, फर्स्ट क्या है, सॉरी फर्स्ट हमारा सिंपल वर्ड्स है, अधिकांश नाउन के प्रोनाउन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड्स होते नाउन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, एस ही ऐड करते हैं, लेकिन ठीक है कुछ हमारे इसमें एक्सेप्शन है, वो कौन कौन से हैं, जो जिन वर्ड्स के लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स के आगे हम इन वर्ड ई एस का यूज़ करते हैं। कह रहे हैं कुछ नाउन होते हैं जिसके ओ और डबल ओ आते हैं होने पर भी एस का यूज़ करते हैं, फिर कह रहे हैं कुछ नाउन के अंत में वाई
और वाई से पहले वॉवल, यानी कि वाई होगा और वाई से पहले वॉवल होगा तो उसकी जगह हम एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर देखिए, पेज नंबर 13 पर फिर फिफ्थ कह रहे हैं, कुछ नाउन के अंत में वाई और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होते हैं, उनके होने पर वाई को हटाकर आई ई एस, यानी कि कह रहे हैं कुछ नाउन जो हैं जिसमें वाई लास्ट में वाई होगा और उसके पहले वॉवल होगा तो हम क्या करेंगे, वाई हमारा एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ एस को ऐड कर देंगे। लेकिन कह रहे हैं कुछ वो नाउन जिसके लास्ट में वाई है और लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो अगर कॉन्सोनेंट होगा तो हम उस वाई को हटा देंगे और आई ई एस ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर वॉवल होगा वाई से पहले तो हम सिर्फ एस ऐड करेंगे, वाई हमारा एज इट इज़ रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको बॉय, तो बॉय हमारा वाई के पहले वॉवल है तो मैंने सिर्फ एस ऐड करा है। डे, डे से वाई के पहले वॉवल है तो सिर्फ एस। डंकी के पहले वाई के पहले वॉवल है तो ये हमारा हो गया डंकीज। लेकिन पेज नंबर 13 पर यहाँ फिफ्थ पॉइंट में जो कह रहे हैं, वाई और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा, वॉवल नहीं होगा यानी, तो हम उस वाई को हटा के आई ए एस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ए आर एम वाई आर्मी, तो ये हमारा वाई है, वाई के पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ए आर एम रहेगा हमारा, वाई को हम हटा देंगे और हमारा क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पर आर्मीज। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट है सिटी, सिटी का हमने देखिए वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर सिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट है, कुछ नाउन के अंत में क्या होता है, एफ होता है या फिर एफ ई, तो एफ और एफ ई को हटाकर हम क्या लिख देते हैं, वी ई एस। जैसे कि सी ए एल एफ काल्फ है तो एफ को यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, वी ई एफ। नाइफ है, कि नाइफ नहीं पढ़ेंगे इसको, के साइलेंट है, नाइफ के एन आई एफ ई नाइफ, तो इसमें हम ई को हटा के क्या कर देंगे, सॉरी एफ को हटा के क्या कर देंगे, वी ई एस। यानी कि जो भी नाउन है, नाउन यानी जो भी वर्ड है, हर वर्ड नाउन है, तो कह रहे हैं एफ और एफ ई को हटाकर जिस भी नाउन के लास्ट में एफ और एफ ई है उसको हटाकर हम क्या लिख सक क्या लिखेंगे वहाँ पर, वी ई एस ऐड कर देंगे। ठीक है, हटाने के बाद वी एफ हटेगा वहाँ से और वी ई एस वहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है सेवन्थ है, सेवन्थ में देखिए, अच्छा यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे नियम के कुछ उपवाद भी है, यानी कि यहाँ पर एफ हटाकर सिर्फ एस, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो जिनको ये लर्न कर लेगा, जिनको एफ हटाकर सॉरी एफ उसके साथ हम वहाँ पर उनको ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सेवन पॉइंट है, इसमें कुछ नाउन के बीच में वॉवल कह रहे हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके बीच में वॉवल होता है तो उन वॉवल्स को हटा के हम डबल ई को वॉवल्स को बदल कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि डबल ई, यहाँ ओ है, आई बना दिया हमने, डबल ओ डबल ई, डबल ओ डबल ई, एम ए एन एम ई एन, वुमेन का एम ई एन। ठीक है, तो ये आप लोग को लर्न करने हैं। नेक्स्ट है एट, कुछ नाउन के अंत में आर ई एन होता है या फिर ई एन होता है तो उसको जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, यानी कि आर ई एन और ई एन को हम इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि चाइल्ड है तो चाइल्ड में हम आर ई एन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन। ऑक्स है, ऑक्स में हम ई एन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑक्सन। ठीक है, और इसका ये प्लूरल भी हो जाएगा, प्लूरल ही हमें बताना है चैप्टर में। नेक्स्ट है नाइन पॉइंट है, कुछ नाउन के सिंगुलर तथा प्लूरल एक समान ही रहते हैं। कह रहे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम है, कोई उसमें चेंज नहीं होता। जैसे कि डियर का डियर, राइस राइस, शीप शीप, कोई चेंज नहीं हुआ। अब इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है पेज नंबर 13 पर, फर्स्ट है फिलिंदा ब्लैंक्स, इसको आप लोगों को करना है, सिंगुलर प्लूरल है, ये बुक से ही रिलेटेड है पीछे जो अभी हमने पढ़े हैं। जैसे कि टेबल टेबल्स, ऑक्स ऑक्सन, इंच इंचेस, टो टोज, शू शूज, मैच मैचेस, टॉय टॉयज, डियर डियर्स, एग एग्स, शेल्फ शेल्फ्स, टैक्स टैक्सेस, ऐसे ऐसेज, थीफ थीफ थीव्स, फॉक फॉक्सेस, ग्लास ग्लासेस, फ्लाई फ्लाइज। तो ये मैंने आप लोगों को पीछे एफ एल वाई ई एस आएगा यहाँ पर, ठीक है, एफ एल वाई फ्लाई का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मैंने क्या बताया था कि कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में क्या है, वाई है। ठीक है, वाई है लेकिन उसके पहले अगर नाउन है तो हम उसमें एस ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या है, वाई है लेकिन उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम कॉन्सोनेंट होने पर वाई को हटाकर आई एस आ जाएगा, तो एफ एल आई ई एस फ्लाइज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 14, पेज नंबर 14 पर हम लोग का लेसन नंबर 7 है, ये भी हम लोग पार्ट नंबर 2 में ही करेंगे, जेंडर, लेसन नेम क्या है, जेंडर, यहाँ पार्ट 2 डालेंगे, सभी लोग डेट भी शो करेंगे। ठीक है, जेंडर, अब जेंडर किसे कहते हैं, लिंग, कितने टाइप्स के जेंडर होते हैं हम ये पढ़ेंगे, 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं, फर्स्ट है मस्कुलाइन जेंडर, सेकंड फेमिनाइन जेंडर, थर्ड है कॉमन जेंडर और फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर। तो मस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं हम, मस्कुलाइन यानी कि पुलिंग, फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग, कॉमन यानी कि उपलिंग और न्यूट्रल यानी कि नपुंसकलिंग। ठीक है, ये हमारे होते हैं 4 टाइप्स के जेंडर। अब
कैसे हम पहचान करेंगे इसकी, जैसे कि मैस्कुलाइन यानी कि हम इसका यूज़ करते हैं मेल के लिए यानी लड़का आदमी या बूढ़ा, फेमिनाइन यानी कि फीमेल के लिए, ठीक है। कॉमन जेंडर वो होती है जिसमें हम ये बता नहीं सकते हैं कि वो फीमेल है या फिर मेल है, जैसे कि टीचर, तो यानी उसमें दोनों आते हैं, मेल भी आ सकते हैं और फीमेल भी आ सकते हैं। अब जैसे कि टीचर है, टीचर क्या है हमारा, सर भी हो सकते हैं और मैम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है इसमें न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर जेंडर जैसे कि टेयर, टेबल, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, ब्लैक बोर्ड, ये सभी क्या है हमारे, न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है। इस तरह के फोर टाइप्स के जेंडर होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसके भी कुछ पढ़ते हैं। फर्स्ट है, कुछ मैस्कुलाइन शब्दों में ई डबल एस जोड़कर फेमिनाइन बनाते हैं। कह रहे हैं कुछ मैस्कुलाइन शब्द ऐसे होते हैं जिसका अगर हमें फेमिनाइन करना है तो हम उसमें ई डबल एस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं, कुछ मैस्कुलाइन शब्दों के अंत में आर से पहले ओ अथवा ई को हटाकर ई डबल एस जोड़ते हैं, जोड़कर फेमिनाइन बनाते हैं, यानी कि आर से पहले ओ और ई को हटाकर ई डबल एस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक्टर को हमने क्या कर दिया है, आर से पहले ओ को हटा दिया हमने, आर हमारा एज इट इज रहेगा और ई डबल एस हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। एक्ट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, मिस्टर का मिस्ट्रेस, वेटर का वेट्रेस। थर्ड में क्या है, कुछ मैस्कुलाइन शब्द ऐसे होते हैं उनके पहले अथवा दूसरे शब्द के स्थान पर अन्य उपयोग शब्द लगाकर फेमिनाइन, यानी कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट या सेकंड को हम इसमें चेंज करते हैं। जैसे ग्रैंडफादर का हम ग्रैंड मदर, यानी फर्स्ट का एज इट इज़ है, सिर्फ सेकंड वर्ड इसमें हमने चेंज किया है, ही गॉट शी गॉट, लैंडलॉर्ड लैंड लेडी। तो यानी फर्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं हम और सेकंड को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फेमिनाइन करने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ है, कुछ मैस्कुलाइन शब्द का फेमिनाइन एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होता है, यानी बिल्कुल अलग, बॉय का गर्ल, ठीक है, बुल काओ, कॉक हैन। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा लॉइन से, लॉइन का फेमिनाइन लॉइनस यानी लॉइन से ही रिलेटेड है। एक्ट, ऑथर का ऑथरस। इसी तरह से पेज नंबर 15 पर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, एक्टर का एक्ट्रेस, टाइगर टाइगर, यानी इन्हीं वर्ड से रिलेटेड था। यहाँ ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, इन्हीं वर्ड से ये भी रिलेटेड था हमारा, ठीक है। लेडी, लैंड लॉर्ड लैंड लेडी, ही गॉट शी गॉट, जो भी वर्ड्स हैं यहाँ पर, पी कॉक पी हैन। इसी तरह से डेरी मैन, डेरी मेट, वॉशर मैन, वॉशर वुमैन, ठीक है। अब कह रहे हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका अगर हमें फेमिनाइन करना है तो वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं उनके, जैसे कि बॉय गर्ल, बुल काओ, कॉक हैन। इसी तरह से ब्रदर सिस्टर, ब्रिज ब्रिज ग्रूम, ब्रिज डॉग, बिच फॉक्स, विक्सन, ठीक है, इस तरह के कुछ होते हैं। अब इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पर एक एक्सरसाइज गिवन है, पेज नंबर 15 पर आ जाइए। पेज नंबर 15 पर पुट दीज वर्ड्स इन फोर ग्रुप्स, कह रहे हैं यहाँ पर इन वर्ड्स को आप लोगों को किसमें करना है, फोर ग्रुप्स हैं उसमें आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि अभी हमने पीछे यहाँ पर चेक करिए मेरे साथ, पीछे हम लोगों ने यहाँ पेज नंबर 11 पर अपना लेसन नंबर 5 के अभी हमने करे थे, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना था। इसी तरह से यहाँ पर हमने जेंडर के फोर पार्ट्स पढ़े हैं, मैंने यहाँ पर इनको डिफरेंशिएट कर दिया है पेज नंबर 15 पर। देखिए फर्स्ट क्या है इसमें, मस्कुलाइन जेंडर, सेकंड है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड है कॉमन जेंडर, फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर जेंडर, ठीक है। तो जो भी मस्कुलाइन है वो हमने मस्कुलाइन में लिखे हैं, फेमिनाइन को फेमिनाइन में लिखा है, कॉमन जेंडर को कॉमन जेंडर, और न्यूट्रल जेंडर को न्यूट्रल जेंडर में, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से देखकर इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोग को क्या बताया था, आप लोग को पीए फर्स्ट के लिए कितने चैप्टर्स को कंप्लीट करना था, लेसन नंबर 7 तक कंप्लीट करना था। इसके लिए हम थोड़ा सा कॉपी में भी वर्क कर लेते हैं, पहले लेसन नंबर 5 से लेकर हम लोगों ने लेसन नंबर 7 तक इसमें कंप्लीट किया है, ठीक है, सॉरी लेसन नंबर 4 से लेकर। तो लेसन नंबर 4 था हम लोगों का सेंटेंस और लेसन नंबर 5 था नाउन। तो मैंने इसमें कुछ जो वर्क है वो मैंने कॉपी में किया है, यहाँ डेट सभी लोग शो कर लेगा जब भी वीडियो आप लोग को अपलोड होती है, और पार्ट नंबर 2 और लेसन नेम 4 में मैंने सेंटेंस बताए हैं, सेंटेंस क्या है, पार्ट्स क्या है सेंटेंस के, और काइंड्स क्या है, ठीक है। लर्न करने आपको नाउन बताया है, नाउन क्या है, कितने काइंड्स हैं उसके, और एक एक एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। इस तरह से आप लोग का यहाँ पर पीए फर्स्ट का जो भी 2 पार्ट्स में मैंने लेसन नंबर 1-2, देखिए यहाँ पर चेक करते हैं एक बार, लेसन नंबर 1-2, लेसन नंबर कंटेंट्स में सभी लोग चेक करिए, लेसन नंबर 1-2, लेसन नंबर 3, पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और लेसन नंबर 4 से लेकर लेसन नंबर 7 तक आज हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लोग का पीए फर्स्ट का जितना भी कंप्लीट सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कितने चैप्टर्स आज हम लोगों ने पढ़े हैं, 4 चैप्टर्स पढ़े हैं, सेंटेंस, नाउन, नंबर, जेंडर। सेंटेंस और नाउन को मैंने कॉपी में भी वर्क करवाया है, तो उसकी जो भी डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है सेंटेंस नाउन की, ये सभी लोग को यहाँ पर अपना वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।